अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्लेयर का स्क्रिप्ट जो है वो लिखा था और इसी तरह के सेम कोड जो है वो हमने ओपोनेंट के स्क्रिप्ट के अंदर भी पेस्ट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों की मूवमेंट जो है वो हम किस तरह से सिंक करवाएंगे। तो मूवमेंट को सिंक करने के लिए बेसिकली हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो जीपीजी मैनेजर है, क्योंकि जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो इस जीपीजी मैनेजर का जो रेफरेंस है वो हमें इस प्लेयर के स्क्रिप्ट के अंदर चाहिए। मगर यहाँ पर अगर इस सीन में देखें तो हमारे पास जीपीजी मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं मेन्यू का सीन ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास जीपीजी मैनेजर जो है इसका स्क्रिप्ट हमारे पास मौजूद है। तो यहां से जब मैं इसको प्ले करूंगा और जब हम यहां से नेक्स्ट सीन के अंदर शिफ्ट होंगे तो मैं सिंपली क्या करता हूं, यहाँ पे सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने ऑन क्लिक सेंड मैसेज के बटन के ऊपर गेम का सीन जो है वो लोड कर दिया है। तो अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो जीपीजी मैनेजर का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड के अंदर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड मैसेज के बटन पर क्लिक करता हूँ तो हम नारा जो गेम का सीन है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जीपीजी मैनेजर जो है वो हमारे पास स्टिल सीन के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसके अवेक फंक्शन में हमने डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड जो है वो डाला था। तो इट मीन्स कि अब हम इसका रेफरेंस जो है वो अपने स्क्रिप्ट के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक प्राइवेट वेरिएबल जो है वो हमारा जीपीजी मैनेजर का जो स्क्रिप्ट है ये हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको मैं नाम दे दूंगा नेटवर्क का। तो अब इसको हमने डेफिनेटली इनिशियलाइज भी करना है, तो यहाँ पे मैं नेटवर्क है वो इसको इक्वल कर दूंगा गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड और फाइंड के अंदर हम अपना जो ऑब्जेक्ट है जीपीजी मैनेजर इसका नेम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके ऊपर क्योंकि हमें स्क्रिप्ट का रेफरेंस चाहिए क्योंकि इसकी जो नेटवर्क की जो टाइप है वो स्क्रिप्ट है, तो इसके साथ हम डॉट गेट कंपोनेंट जीपीजी मैनेजर। तो बेसिकली गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड जो है ये आपकी ये जो हायरार्की होती है इसमें जो आप नेम यहाँ पे पास करते हैं उस ऑब्जेक्ट को ये बाय नेम फाइंड करता है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जितने भी कंपोनेंट हैं इसका ट्रांसफॉर्म है ये इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट है इनका हम रेफरेंस ले सकते हैं बाय यूजिंग डॉट गेट कंपोनेंट। इट मीन्स कि अब नेटवर्क जो है वो हमारे पास इनिशियलाइज्ड हो चुका है और इस नेटवर्क के अंदर ये जितने भी फंक्शंस हैं जितने भी पब्लिक फंक्शंस हैं इन सब को हम कॉल कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली सेंड मैसेज का जो फंक्शन है इसके अंदर हमने अपने मैसेजेस जो हैं वो पास करने हैं। तो यहाँ पे जब प्लेयर मूव करेगा या प्लेयर बैकवर्ड मूव करेगा या जब प्लेयर स्टॉप होगा तो हमने एक मैसेज जो है वो नेटवर्क के ऊपर सेंड करना है। तो यहाँ पे जो इसका स्क्रिप्ट है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो
लिखा है मैं आपको बताता हूँ। तो फॉरवर्ड के लिए बेसिकली हम यहाँ पे नेटवर्क डॉट सेंड मैसेज और हेडर के अंदर एफ, और क्योंकि रियल मैसेज तो हमारे पास कोई नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो या आप कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मगर इसको एम्प्टी आपने नहीं रखना। इसी तरह हम जब बैकवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पे हम बी पास कर देंगे। सेम इसी तरह जब हमने मूव नहीं करना होगा तो हम यहाँ पे एस पास कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट जब यहाँ से हम एक मैसेज जो है वो सेंड करेंगे तो उस मैसेज को जो दूसरा यूज़र होगा वो यहाँ पे ऑन रियल टाइम मैसेज रिसीव के अंदर रिसीव करेगा। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि हमने कुछ कंडीशंस जो हैं वो ऐड करनी है। तो जिस तरह के यहाँ पे अगर देखें तो ये जो रॉ की एरे है इसके बेसिकली जब हम अपने मैसेज को स्प्लिट करेंगे तो रॉ के ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास हेडर होगा और रॉ के जो वन इंडेक्स होगा उस पे हमारे पास मैसेज होगा। तो हमने हेडर को गेट करना है, अगर तो हेडर जो है वो एफ है इट मींस कि हमारा जो दूसरा प्लेयर है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने ओपोनेंट प्लेयर जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर उसको भी हमने फॉरवर्ड मूव करना है। तो उसका हम रेफरेंस किस तरह से लेंगे कि ओपोनेंट टाइप का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड ओपोनेंट प्लेयर। तो ये बेसिकली जो गेम सीन होगा इसके अंदर जो हमारे पास ये ओपोनेंट प्लेयर है इसको हम फाइंड करेंगे और इसका जो ओपोनेंट स्क्रिप्ट है इसके अंदर जो फंक्शन है मूव फॉरवर्ड उसको हम कॉल कर देंगे। तो सेम हमने उसको फाइंड कर लिया, उसका जो ओपोनेंट प्लेयर का स्क्रिप्ट है उसका स्क्रिप्ट का रेफरेंस ले लिया और स्क्रिप्ट के अंदर जो मूव फॉरवर्ड का फंक्शन है हमने सिंपली इसको कॉल कर दिया। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो इसकी मैंने बनाई है कि जो मूवमेंट होगी वो किस तरह से सिंक होगी, तो उसका मैं डेमो जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरी रियल एंड्रॉयड डिवाइस है और यहाँ पे जो मेरा है वो ब्लू स्टैक है। तो अब यहाँ से जब हमने एक प्लेयर को इस प्लेयर को हम जब मूव करते हैं तो ये हमारा करंट प्लेयर है और इस स्क्रीन पे ये जो प्लेयर है ये हमारा ओपोनेंट प्लेयर है। तो यहाँ से जब हमने इसको मूव किया तो एक मैसेज हमने सेंड किया एफ के नाम से फॉरवर्ड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जब हमने फॉरवर्ड मूव किया तो यहाँ से हमने एक मैसेज सेंड किया एफ के नाम से। तो यहाँ से एफ का मैसेज इस पे आया तो यहाँ पे हमारे पास ऑन रियल टाइम मैसेज रिसीव का फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर तो मैसेज जो है वो एफ है तो ये जो दूसरी स्क्रीन है यहाँ पे ओपोनेंट प्लेयर हमारा ये है, इस पे भी हमारा जो ओपोनेंट प्लेयर है वो ये है। तो हमने यहाँ से जब मैसेज आएगा तो यहाँ पे हमने इस ओपोनेंट प्लेयर को भी मूव करना है। तो इस तरह से बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो दोनों स्क्रीन्स के दरमियान होगी। तो जिस तरह आप देखते हैं कि जब मैं बैक मूव करता हूं तो ये यहां से बैक, और इसी तरह यहां से जब मैं इसको मूव करता हूं तो ये जो प्लेयर है हमारा ओपोनेंट वो यहां पे मूव होता है। तो बाद में हम इनकी पोजीशन को देखेंगे कि वो हम किस तरह से एग्जैक्टली जो है वो इन दोनों की पोजीशन जो है वो भी सिंक करवा सकते हैं।
यहाँ पे कुछ कोड और हमने करना है बैकवर्ड और स्टॉप के फंक्शन के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ से कोड कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो जब दूसरी स्क्रीन से हमें फॉरवर्ड का फंक्शन मैसेज रिसीव होगा तो हमने मूव फॉरवर्ड करना है। इसी तरह बी का मैसेज रिसीव होगा तो हमने ओपोनेंट को बैकवर्ड मूव करना है। इसी तरह जब एस रिसीव होगा तो हमने ओपोनेंट को डोंट मूव जो है वो फंक्शन वो कॉल करना है। तो प्लेयर स्क्रिप्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मूव फॉरवर्ड का जो फंक्शन है वो हम अब फिक्स्ड अपडेट के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो फिक्स्ड अपडेट जो है ये आपको पता है कि एक सेकंड में कई दफ़ा कॉल होता है, एक सेकंड में 40 या 30 आपकी जो डिवाइस है उसके फ्रेम रेट पर डिपेंड करता है, सॉरी फ्रेम रेट पर नहीं बल्कि ये एक फिक्स्ड टाइम होता है 0.02, तो उसमें ये कॉल होता है। तो एक सेकंड में ऑलमोस्ट 30-40 टाइम्स जो है वो कॉल होगा। तो जब एक सेकंड में आप 40 मैसेजेस नेटवर्क पे सेंड करेंगे तो नेटवर्क जो है वो हमारा इतने ज़्यादा मैसेजेस हैंडल नहीं कर सकता। तो और इतने ज़्यादा मैसेजेस सेंड करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब एक बार आपने मैसेज जो है वो सेंड कर दिया फॉरवर्ड का तो दूसरा मैसेज हमने सिर्फ उस वक्त सेंड करना है जब हमारा प्लेयर बैक मूव करेगा या स्टॉप होगा। तो बार बार एक ही मैसेज हमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमने एक और चीज़ ऐड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मैं एक प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिएबल रख दूंगा प्रीवियस मैसेज। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे तो इसको रिमूव करके मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो हम चेक करेंगे कि प्रीवियस मैसेज जो है वो एफ के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब हम कॉल करेंगे तो प्रीवियस मैसेज में कोई वैल्यू भी नहीं होगी, इट मींस कि वो एफ के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी और हम नेटवर्क पे फॉरवर्ड का मैसेज सेंड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रीवियस मैसेज का जो वेरिएबल है उसको अपडेट करेंगे और उसमें एफ जो है वो पास करेंगे। तो हमारा करेक्टर अभी फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पे जब ये दोबारा फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल होगा तो ये चेक करेगा कि ऑलरेडी प्रीवियस मैसेज में हमारे पास एफ मौजूद है, तो ये दोबारा नेटवर्क के ऊपर मैसेज सेंड नहीं करेगा। तो इससे हमारा जो ओवरहेड है वो कम हो जाएगा, हम एक वक्त में एक ही मैसेज जो है वो नेटवर्क पे सेंड करेंगे। तो ये सेम इसी तरह की लॉजिक हमने मूव बैकवर्ड और डोंट मूव के अंदर भी अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ से मूव बैकवर्ड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा। इसी तरह डोंट मूव को भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई या इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जो है अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती तो आप बार बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी। तो ये करने के बाद अब अगर आप इसको प्ले करेंगे दो एंड्रॉयड डिवाइसेस पे तो आपको जो मैंने वीडियो में रिजल्ट बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी कोड जो है वो मैंने लिख के टेस्ट किया है और इसकी वीडियो मैंने यहाँ पे अपने पास बना के रखी है। तो यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लेयर जो है वो हमारा यहाँ पे है, तो इस स्क्रीन पे ये जो ओपोनेंट का प्लेयर है इसको भी एग्जैक्टली इस लोकेशन पे यहाँ पे होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फिक्स करेंगे
करंटली अगर आप देखें तो मूवमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल ठीक काम कर रही है और इसमें थोड़ा सा भी डिले नहीं है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिले जो नज़र आ रहा है वो ये जो मेरा मिरर डिवाइस है वो इसकी जो बैंडविड्थ है वो इतनी नहीं है इसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिले जो है वो नज़र आ रहा है, वरना इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी।